अच्छा भाइयों, लास्ट हम ये यहाँ तक कर चुके थे। आप सब लोगों ने रिएक्ट की ऐप अपने कंप्यूटर में बना ली है, और ना सिर्फ रिएक्ट की ऐप बना ली है बल्कि उसमें बड़ा सारा अभी सीवी वगैरह जो भी आपने किया था वो भी उसमें बना लिया। ये अभी वो असल में अभी ऑन हुआ है ना, इसलिए थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अच्छा, मैं जूम इन कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये काम सब लोगों से हो गया है, CSS इंपोर्ट करके सबने लगा दिया जितना बताया है। इमेजेस वगैरह अभी बताई नहीं है मैंने, वो भी बता दूंगा मैं अभी। वेल, तो अभी डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट का क्या चक्कर है? मिसाल के तौर पर जैसे फेसबुक है, फेसबुक के जब आप खोलते हैं तो पोस्ट आती है सामने, आपके सामने चार पोस्ट आ गई फेसबुक खोलते ही, ठीक है। सबसे पहली जो पोस्ट है उसमें क्या है, जो भी बंदे ने फोटो पोस्ट की हुई है कुछ भी, लेकिन उस पूरे बॉक्स के अंदर, वो पूरा बॉक्स असल में एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अच्छा, हर पोस्ट में एक प्रोफाइल पिक्चर होती है कि किस बंदे ने ये पोस्ट की है, उस बंदे का नाम होता है, उसके नीचे डेट होती है पोस्ट की, ठीक है। उसके नीचे फिर उसका टेक्स्ट होता है जो उसने लिखा है पोस्ट में, उसके नीचे जो फोटो उसने अगर कोई अटैच की तो वो होती है, नहीं की सिर्फ टेक्स्ट भी हो सकता है। उसके नीचे लाइक का, कॉमेंट का, शेयर का बटन होता है। अच्छा, ये जो एक बॉक्स है ना इतना, ये एक कंपोनेंट है। अच्छा, तो अगली पोस्ट में क्या कोई चीज़ चेंज हो जाती है? कुछ भी चेंज नहीं होता, वही रहता है, अंदर का कंटेंट चेंज होता है सिर्फ। तो ये अब ये बात आ रही है कि लेट्स टेक नेक्स्ट स्टेप टू लर्न हाउ टू मेक योर रिएक्ट कंपोनेंट डायनेमिक एंड रीयूजेबल। अच्छा, अभी तो हमने जो बनाया था ना कंपोनेंट अपना, वो तो फिक्स था। अब हम ये चाहते हैं कि कंपोनेंट हमारा क्या हो जाए, डायनेमिक हो जाए, जो डेटा उसको दें वो डेटा डिस्प्ले करें, वो एक टेम्पलेट की तरह हो। आज बाय द वे आज की क्लास ख़त्म होने के बाद एक फेसबुक का कंपोनेंट आप लोग सब बनाएंगे। तो एक फेसबुक का बॉक्स मैंने कंपोनेंट में बना लिया, अब जो उसको मैं डेटा दूँ ना वो डिस्प्ले करें। हर दफ़ा डेटा बेस से अलग डेटा आएगा, उसको डिस्प्ले करें, और ऐसे छपता चला जाए स्क्रीन पर 3, 4, 5, 6, सही है। बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू डू दिस इन रिएक्ट, लेट्स लुक एट हाउ टू डू दिस इन प्लेन जावास्क्रिप्ट। कह रहे पहले ज़रा प्लेन जावास्क्रिप्ट में तो देखें ये काम होगा कैसे, क्योंकि रिएक्ट का जो कंपोनेंट है दैट इज़ अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दिस माइट सीम अ बिट बेसिक बट बेयर विथ मी। कह रहे कि ये बहुत बेसिक सी बात लग रही है, लेकिन आप बर्दाश्त करें थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ। किसी वजह से जिसने बोला एक फंक्शन बना हुआ है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, हाई डेव। कह रहा है कि अगर मुझे इस फंक्शन को डायनेमिक बनाना है कि डेव की जगह मैं कुछ और भी प्रिंट करा सकूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैरामीटर ले लूंगा एक नेम, और उस नेम को प्लस कर दूंगा आगे। अब इस नेम में जो भी चीज़ देगा बंदा वही प्रिंट होगा हर दफ़ा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लाइट, ओके ओके बेटर। तो जो नेम में पास किया जाएगा वही प्रिंट करेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो सिंपल फंक्शन में ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कंपोनेंट का जो फंक्शन है ना वो भी यही है ना इसी तरह, तो इसमें भी तो हम पैरामीटर ले सकते हैं प्रॉप्स लेके, और प्रॉप्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। अब ज़रा पढ़ भी लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ यू वॉन्ट टू कस्टमाइज अ रिएक्ट कंपोनेंट इन द सेम वे द प्रिंसिपल इज द सेम। सेम काम करना है तो सेम तरीके से ही होगा। पास एन आर्ग्यूमेंट विथ योर डायनेमिक स्टफ। कह रहा है जो भी चीज़ ऐसी है जो बार बार चेंज होती है वो आप उसमें फिक्स ना करें, आप उसको पैरामीटर के तौर पे ले लें ऊपर से। अच्छा, एंड देन द कंपोनेंट कैन डू व्हाट इट वांट्स विद दिस स्टफ। सही हो गया। लेट्स चेंज हाई कंपोनेंट फ्रॉम अर्लियर टू बी एबल टू से हूएवर वी वांट। ठीक है, पहले हाई सिर्फ ये डेव को कहता था, अब ये हाई किसी को भी बोलेगा, तो ये ऐसे करके कर दिया। अच्छा, अब ये प्रॉप जो इसने यहाँ पे ले लिया, ये प्रॉप क्या है, व्हाट इज़ दिस प्रॉप। ठीक है, और प्रॉप्स डॉट नेम करके जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, मतलब ये तो हमने यहाँ तो लिख दिया, लेकिन ये पैरामीटर हम इस फंक्शन को कॉल तो नहीं कर रहे हैं। ये शुरू में ही जिक्र कर दिया था उसने कि ये फंक्शन हम कॉल नहीं करेंगे, हम रिएक्ट के हाथ में ऐसे पकड़ा देंगे कि तुम करो कॉल, और वो रिएक्ट जब का उसका जब दिल करेगा तो वो कॉल कर लेगा उसको। अच्छा, तो ये प्रॉप जाहिर है फिर उसको कॉल करते हुए ये प्रॉप कौन देगा,
रिएक्ट देगा, हम तो नहीं देंगे फिर क्योंकि कॉल वो कर रहे हैं। तो ये तो रिसीव तो कर लिया हमने यहाँ पे ऐसे करके, अब प्रॉप को पास कैसे करेंगे हम? प्रॉप को पास करने के लिए ना पहले हम इस तरह लिखते थे, अब हम इस तरह लिखेंगे और साथ में क्या देंगे, एट्रीब्यूट्स की तरह से उसको पास कर रहे होंगे हम। बंद हो गई, एट्रीब्यूट जैसे ये पास करते हैं ना इस तरह पास कर रहे होंगे हम। अच्छा, तो ये नेम जो मिलेगा, ये नेम कहाँ पे मिल जाएगा मुझे? जब कंपोनेंट मेरा रन होगा ना तो ये प्रॉप्स के अंदर ना डॉट लगा के नेम मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉप्स पे डॉट लगा के जब मुझे नेम मिल रहा है तो इसका मतलब है प्रॉप्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ही डॉट लगा के हमें चीज़ें मिलती हैं, एरे पे नहीं मिलती, नंबर स्ट्रिंग वगैरह पे नहीं मिलती, तो ये ऑब्जेक्ट है फॉर श्योर। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे हम। अच्छा, इतने को पहले करके देखते हैं, क्या ख्याल है? वो कोड ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हेलो वर्ल्ड की रिएक्ट ऐप हो गई थी ना, ये इसी की कॉपी बना लेते हैं। कदम इसी की कॉपी बना लेते हैं, जल्दी से पेस्ट कर दो इसको। ये कॉपी करके पेस्ट किया मैंने उसी प्रोजेक्ट पर ना जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसी की मैंने कॉपी बना ली, नाम उसका चेंज कर दिया, डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट ये इसका मैंने नाम रख दिया। अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, ये हाई का कंपोनेंट हुआ करता था, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ था, कुछ टेक्स्ट, मैं चलो ये टेक्स्ट हटा देता हूँ मैं, और इसमें क्या लिख देता हूँ मैं, सही है, ऐसे अगर मैं रखता हूँ तो ये हमेशा क्या लिखेगा, यही लिखेगा हाय मलिक, लेकिन अब की बार मैंने क्या करना है, props dot name, मतलब नेम है ये, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसे करली ब्रेसेस लगा के, सॉरी ऊपर तो सिर्फ props होगा ना, डॉट नेम तो नीचे होगा, ठीक है, तो props यहाँ पे मुझे मिलेगा, हमेशा मिलेगा ये, और इसमें जो जो चीज़ें होंगी ना वो डॉट डॉट करके मिलेगी। अगर मिसाल के तौर पे नेम मैंने पास यहाँ पे नहीं किया तो ये नेम में मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, सही है। मैंने फ़िलहाल जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया हुआ, अभी मैं पास करने लगा हूँ नेम, ऐसे मलिक मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, तो अब यहाँ पे नेम में इसको क्या मिल जाएगा, जो चीज़ यहाँ से पास करूँगा वो चीज़ मिल जाएगी, अगर मैंने पास नहीं किया तो यहाँ पे इसको अनडिफाइंड मिलेगा। अच्छा, तो इस तरह करके अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 3 4 जितनी दफ़ा इसको प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ से चीज़ पास करूँगा वही उसको मिलेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक डिव के अंदर पैक कर देता हूँ, पहले चलो इतने को कॉल करते हैं, छोड़ो पहले इतने को कॉल करते हैं, हाई लिखा हुआ है ना अभी, अभी देखते हैं वो प्रिंट होता है कि नहीं होता। कैसे कॉल करूँगा मैं इसको, टर्मिनल ओपन किया मैंने, और टर्मिनल ओपन करके मैंने कहा CD 4 CD 03 डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है, इसमें आके मैंने npm start कॉल कर दिया, ठीक है, तो ये वाला कोड चल के मेरे पास गूगल क्रोम पे शो हो गया, ठीक है, हाई मलिक लिखा हुआ आ गया। अब देखो मैं यहाँ से चेंज करूँगा ना, अगर अरसलान कर देता हूँ तो यहाँ पे अरसलान शो होगा। अच्छा, इस कंपोनेंट को मैं 2 दफ़ा भी रेंडर करवा सकता हूँ, राइट, अभी तो ये कंपोनेंट 1 दफ़ा रेंडर हुआ है ना, मतलब एक ही बार चल रहा है ये, इस कंपोनेंट को मैं 2 बार भी करवा सकता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, कॉपी और पेस्ट, ऐसे एक हाई ऐसे यहाँ पे और एक हाई यहाँ पे, तो एक दफ़ा मैं इसको लिख देता हूँ मलिक और एक दफ़ा अरसलान, तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा, सही है। अच्छा, लेकिन ये एरर इस वजह से दे रहा है, ये कहता है ना पेरेंट 1 होना चाहिए, पेरेंट डबल 2 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ जब आप प्रिंट करवाओगे तो उसका पेरेंट जो है ना सेम होना चाहिए, तो मैंने एक डिव एक्स्ट्रा यहाँ पे बना दी,
ठीक है, ये डिव मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बना दी। हाँ मैं उस पर भी, हाँ हाँ जी जी ऐसा ही है। तो मैंने ऐसे करके ना ये दो बार प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, ये दो बार स्क्रीन पे प्रिंट होगी। और एक दफ़ा अरसलान दिया तो अरसलान प्रिंट होगा, दूसरी बार जो दिया वो प्रिंट होगा। देखो दो बार प्रिंट हो गया। हाँ ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो डिव है ना, ये अगर मिसाल के तौर पर मैं डिव नहीं लिखना चाहता तो इसमें एम्प्टी टैग भी लगा सकता हूँ मैं। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्ट फ्रैगमेंट, ठीक है। इसको फ्रैगमेंट एक नाम दिया हुआ है, एम्प्टी टैग भी बोलते हैं इसको, रिएक्ट फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह करके भी हम लगा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि वो पेरेंट हमारा एक हो जाए, ठीक है। उसके अंदर एच टी एम एल में ये चीज़ नहीं कर सकते आप, एच टी एम एल में फ्रैगमेंट नहीं लगा सकते आप, डिव लगा सकते हैं। हाँ किसी आप एच टी एम एल फाइव के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि आप किसी भी नाम से टैग लिखेंगे ना, जैसे डिव के साथ आपने कुछ, डिव की जगह आपने कुछ और लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मलिक ऐसे टैग स्टार्ट किया, तो अब उसके नाम से कोई टैग नहीं है तो उसको डिव के तौर पर ट्रीट करता है। एच टी एम एल फाइव में ये चीज़ है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो एम टी टैग को ऐसे मतलब समझ पाएगा या उसको भी डिव के तौर पर, वो करके देखने वाली चीज़ है। इनका बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि सर अगर मैं किसी भी नाम से टैग बनाता हूँ तो आप ये कह रहे हैं उसको डिव के तौर पर ट्रीट करेगा, तो उस पर सीएसएस कैसे लगेगी, या उसको क्वेरी सेलेक्टर से अगर मैंने टैग नेम से उसको उठाया तो क्या वो मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ मिलेगा, वो सीएसएस में भी वही फिर मलिक नाम लिखूंगा मैं, ठीक है, जो नाम है वही लिखूंगा जो रखा है मैंने। उसमें क्लास आईडी सब लगेगी। सीएसएस के लिए तो बेहतर वैसे ही है कि सीएसएस हमेशा क्लास के जरिए लगाई जाए, टैग के नाम पे सीएसएस लगाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर तो सीएसएस लगी हुई क्लास के जरिए तो वो क्लास आप उस पर लगाएंगे सीएसएस आ जाएगी, सेट हो जाएगा। और उसका अगर आपको जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है उसको नाम से उठाने की, किसी भी क्वेरी सेलेक्टर में नाम के जरिए आप उसको उठा रहे हैं, क्वेरी सेलेक्टर में भी बेहतर प्रैक्टिस ये है कि उसको आईडी के जरिए उठाया जाए, तो फिर क्या होगा कि टैग का नाम जो मर्जी रहे आईडी उस पर लगी हुई है तो वो आईडी से उठकर आ जाएगा, ठीक है। हाँ टैग का नाम फिर ना मैटर नहीं करेगा आपके। वो एच टी एम एल में ना बाई द वे एरर नहीं आता, एच टी एम एल में एरर नहीं आता है। अब ये अच्छा सवाल है, कोई पुराना ब्राउजर है चला के देखना पड़ेगा कि उसमें क्या बिहेव करता है। मे बी वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा वो, मे बी ऐसा मेरा अंदाज़ा है, लेकिन ये करके देखने वाली चीज़ है। वेल जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र अभी हैं मौजूद, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ये पिछले तकरीबन 10 साल पहले से ये एच टी एम एल 5 को सपोर्ट दे रहे हैं सब लोग, ठीक है, मोबाइल के और डेस्कटॉप के सबके ब्राउज़र। यानी गूगल क्रोम ने जो पहली दफ़ा सपोर्ट दी थी वो शायद 2005 में या 6 में दी थी, जब एच टी एम एल 5 का स्टैंडर्ड शुरू हुआ था। तो अभी जितने भी मेजर ब्राउज़र्स हैं वो सब एच टी एम एल 5 को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा वैसा होगा नहीं कि पुराना बिल्कुल हो गई। बाय द वे जो पुराने ब्राउज़र होते हैं ना वो या तो मिलिट्री वगैरह के पास होते हैं कि भाई उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट करके सब कुछ ओके किया हुआ है, अब उसी पे ही चलेगा, ठीक है, तो वो उसको अपडेट नहीं करते क्योंकि नए वर्जन को पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो वहाँ पे ऐप भी फिर वो आपसे नहीं बनवाएंगे, फिर वो किसी स्पेशलिस्ट से बनवाएंगे, जो क्या होगा, हाँ मतलब एच टी एम एल लिखने के भी लोग $300 घंटे के लेते हैं, जो एक्सेसिबिलिटी वाले हैं ना एच टी एम एल में, जो एक्सेसिबिलिटी वाला पेज बनाते हैं पूरा, तो वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं, एच टी एम एलाइजर होते हैं वो, और मतलब स्टाइलिंग स्टाइलिंग सब चीज़ें करके, और
अब एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, लंबी बात हो जाएगी। तो HTML लिखने वाले भी अच्छे खासे पैसे लेते हैं, तो आपसे एज अ जूनियर डेवलपर ना ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई कि आप पुराने ब्राउज़र को भी सपोर्ट दे रहे होंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ अगर किसी आपने बताई नहीं है, किसी ने आपको, आपके क्लाइंट ने आपको एक्सप्लिसिटली अगर ये मेंशन नहीं किया कि आपको HTML 4 की भी सपोर्ट देनी है, तो यू आर नॉट सपोज टू गिव सपोर्ट टू HTML 4, आपको HTML 5 को सपोर्ट देनी है। हाँ, अगर उसने एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि नहीं यार HTML 4 की भी चाहिए सपोर्ट, 2 की भी चाहिए, 1 की भी चाहिए, तो फिर उसके पैसे भी अच्छे चार्ज किए जाते हैं और बहुत रेयर है इस तरह के केसेस। ठीक है, आमतौर पर नहीं होता। अच्छा, तो मैंने 2 बार इसको प्रिंट करवा दिया, सही हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त चल गया 2 बार। अच्छा, अगर मैं इसको 3 बार प्रिंट करवा दूँ, क्या ख्याल है? अगर मैं इसको 4 दफ़ा प्रिंट करवा दूँ, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस पर थोड़ी सी CSS लगा दूँ तो? CSS भला कैसे लगा दूँ मैं? यहाँ पे क्लास नेम लगा दूँगा। क्लास नेम क्या लगा दूँगा मैं इस पर? पोस्ट। सही है। मिसाल के तौर पे इसको मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? इसको मैं फेसबुक की पोस्ट बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से भी चेंज कर दिया सब जगह से ना। मैंने कहा तुम क्या हो? पोस्ट हो। तुम क्या हो? पोस्ट हो। ठीक है, पोस्ट कर दिया मैंने इसको। अच्छा, यहाँ से भी चेंज हो गया ये। हाय, सही है, बोल रहा हाय है लेकिन है ही असल में पोस्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये पोस्ट जो है ना, ये वाला है, इसको यहाँ पे आके क्या दे देता हूँ, index.css की फाइल को मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके ना मैं बोलता हूँ कि भाई डॉट पोस्ट जो है ना, उसको क्या करवा दो, उसको दे दो बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर दे दिया मैंने, और बॉर्डर के अलावा क्या होता है, और बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने कहा कि भाई 20 pixel। ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया ये। अच्छा, इसको कुछ हाइट मैंने दे दिया इसको 300 pixel। 300 pixel बहुत ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, सही है, 300 pixel मैंने इसको हाइट दे दी, और विड्थ मैंने इसको दे दिया मे बी 250 pixels। सही है, कुछ इस तरह का हो चुका है अभी ये। अच्छा, इसका जो कंटेंट है वो अपनी दीवारों के साथ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ इसको। पैडिंग मैंने दे दिया 20 pixel, तो वो अपनी दीवारों से थोड़ा दूर हट गया। सही है, कुछ मार्जिन भी चाहिए इसको, क्योंकि वो आपस में बहुत चिपके हुए हैं। 20 pixel का मैंने मार्जिन भी दे दिया, दूर दूर हो गया थोड़ा ये। सही है, बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर वाइट से जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ दे देते हैं, कुछ स्मोक वाइट। सही है, स्मोक वाइट कलर दे दिया मैंने बैकग्राउंड इसको। वो इसमें नहीं दिख रहा लेकिन असल में आ गया वो। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसको। सही बनता जा रहा है, फेसबुक की पूरी पोस्ट बना रहे हैं इसको असल में। अच्छा, और क्या दे रहे हैं इसको मुझे? और अभी हो गया, कुछ और भी देना है? इसकी विड्थ थोड़ी, इसको बढ़ा देते हैं, 400 pixel कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 300 pixel, थोड़ी विड्थ हाइट ना। अच्छा, ये बिल्कुल सेट हो गया, हमारा मसला हल हो गया। थोड़ा सा इसको वो भी दे देते हैं हम, शेडो, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो क्या कर दिया हमने? हमने कहा कि 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel और ब्लैक। अच्छा, एक चौथा भी होता है इसमें, स्प्रेड ना, अमाउंट ऑफ ब्लर। अमाउंट ऑफ ब्लर कौन सा वाला होता है? तीसरा, चौथा? तीसरा वाला होता है ना। चौथे वाले को हटा दूँ? हाँ, चौथे वाले को हटा के भी सही चल रहा है।
अच्छा ये दोनों 0 पिक्सल होगा भाई, दबे 0 पिक ऑफसेट हमें बिल्कुल बैकग्राउंड उसके बिल्कुल पीछे चाहिए एग्जैक्ट। अच्छा चौथा वाला जो होता है ना वो उसका साइज़ होता है, मैं 6 पिक्सल का बोलूँगा ना शेडो बनाओ, देखो 6 पिक्सल का बना, चौथा वाला साइज़ होता है और ये स्प्रेड होता है, मैंने कहा 10 पिक्सल पे इसको स्प्रेड कर दूँ। नहीं चौथा साइज है, ये टॉप बॉटम है, ये लेफ्ट राइट है ऑफसेट, नंबर 3 स्प्रेड है और नंबर 4 इसका साइज है शायद इस तरह। हाँ स्प्रेड इसका 20 कर देते हैं, ये लो थोड़ा और स्प्रेड हो गया ये। वेल हम कुछ फेसबुक जैसी पोस्ट हम कुछ बनाने जा रहे हैं तो हमारी जो फेसबुक की पोस्ट है वो ऐसी है भाई, ठीक है उसमें शेडो आता है। अच्छा आप फेसबुक की जो पोस्ट होती है फ्लेक्स इसके फिर पेरेंट पे लगेगा, इसके पेरेंट पे लगेगा फ्लेक्स। अभी तो इसका पेरेंट अभी ये एम्प्टी है ना फिलहाल, अभी तो इसको अभी एक कंपोनेंट बनाना है, अभी सेंटर वेंटर भी हम देखेंगे कैसे होता है, सही है अभी एक कंपोनेंट हमने बनाना है पोस्ट वाला। अच्छा सही होता जा रहा है, ज़बरदस्त होता जा रहा है। आर्टिकल में ज़रा देख लेते हैं एक दो, तो इसने और भी बातें बताई हैं। अच्छा इतने से ही बनाते हैं पूरा, पहले आर्टिकल को भी छोड़ देते हैं, थोड़ी कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद करेंगे। अच्छा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक अदद आई एम जी का एक अदद मुझे टैग चाहिए ना, img.slash और इसके सामने मुझे चाहिए बंदे का नाम। img में क्या होगा, एक src होगा। अब src जो है वो हर पोस्ट का अलग अलग होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा props.img, ठीक है, या इसको प्रोफाइल फोटो ऐसे देना पड़ेगा, सही है। अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा कह रहा है ALT टेक्स्ट लाजमी चाहिए, सही है। रिडंडेंट ALT एट्रीब्यूट ये सही है भाई, कह रहा है। अच्छा तो ये डिव है मेरा, पोस्ट का डिव है, इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज है, उसके बाद है बंदे का नाम उसके सामने, सही है। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, डेट है, डेट होगी ना पोस्ट की, जो डेट होती है props.postdate, उसके नीचे क्या होगा props.postText और उसके नीचे क्या होगा props.postImageIfAny। अच्छा उसके नीचे क्या होगा, लाइक वगैरह का बटन होगा, सही है। तो मैं क्या बना देता हूँ, 3 img इमेज बटन बनेगा असल में, यहाँ पे इमेज बटन यहाँ पे बनेगा, ठीक है src ये तो फिक्स होगा, ये वाला कि लाइक का थंब तो फिक्स रहता है वो नहीं चेंज होता, तो इसका मैं ना इसको फिक्स कर दूंगा, कैसे होगा भला ये फिक्स, इसमें भी ALT देना पड़ेगा मुझे लाइक, सही है। अच्छा लाइक के बाद क्या है भाई, कमेंट और शेयर, ठीक है src इसका मुझे कुछ ना कुछ देना है। अच्छा ये तो आइकन्स है ना, आइकन्स के लिए एक और अच्छा होता है वो क्या है, फॉन्ट ऑसम रिएक्ट राइट, फॉन्ट ऑसम देख लेते हैं रिएक्ट पे कैसे लगता है। अभी हमारी ना ऐप कुछ इस तरह की दिख रही है, ये एक कंपोनेंट मेरा अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ये हमने जो चीज़ें दी है ना सारी, ये नीचे पास नहीं किया हुआ तो इसलिए वो एरर दे रहा है, नेम इसको मिल रहा है सिर्फ, प्रोफाइल फोटो नहीं मिल रही, पोस्ट की डेट नहीं मिल रही, पोस्ट का टेक्स्ट नहीं मिल रहा, ये तीनों इमेज का URL नहीं मिल रहा,
चल जा भाई, क्या हो गया? फॉन्ट ऑसम सेटअप विद रिएक्ट, आइकन हमें लगाने ना, तो बजाय इसके हम इमेज लिखे हम आइकन लिख देते हैं। अच्छा ये कह रहा है पहले ये चला दो, चला देता हूँ आगे मैं। ये टर्मिनल मैंने खोला, इसको NPM स्टार्ट को रोक दिया, ये चला दिया। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा वाला ये चला दो अब, और तीसरी कमांड ये चला दो। ये तीनों कमांड मैंने चला दी, अब अबे लगेगा कैसे भाई ये तो बताओ। ये भी चला दिया नंबर 3, सारी कमांड चलवा ली इसने, ये नहीं बता रहा लगेगा कैसे। ऐड आइकन टू रिएक्ट, अच्छा दूसरे पेज पे होगा। हाँ हाँ ये आ गया ना फॉन्ट ऑसम आइकन, ऐसे ऊपर इसको है ना इम्पोर्ट कर लिया यहाँ टॉप पे ना, कह रहा इम्पोर्ट कर लो ऐसे बस, ये फॉन्ट ऑसम आइकन इम्पोर्ट हो गया। अब मैं नीचे आके ये IMG की जगह में क्या लगाऊंगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, तो मैं इसको फॉन्ट ऑसम आइकन जो है ना ऐसे लगाऊंगा मैं, सही है, ये हटा दूंगा मैं इसमें से। ये फॉन्ट ऑसम आइकन में 3 लग जाएंगे मेरे पास, ठीक है, और तीनों में लगेगा क्या, ये भी इम्पोर्ट होगा ऊपर से, सही है। ये दोनों चीज़ें मुझसे फॉन्ट ऑसम वालों ने इम्पोर्ट करवाई है, तो ये मैंने दोनों चीज़ें इम्पोर्ट कर ली। अब ये कह रहा है इस तरह से होगा यूज़र सीक्रेट, तो मैं इनका वाला ना एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। सॉलिड यूज़र डैश सीक्रेट, अब ये यूज़र डैश सीक्रेट ना इनके आइकन का नाम है, वो चार्ट में एक जगह पे इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे मुझे ये क्या हुआ, अच्छा NPM स्टार्ट रोक दिया था ना मैंने, NPM स्टार्ट को दोबारा रन करना होगा। क्या बोला इसने मुझे, मैंने कोई एक कमांड शायद कम चलाई है, यार ये सारी कमांड मैं दोबारा चला देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई एक कम चली है कमांड, जिसकी वजह से ये क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से ये बोल रहा है कि भाई मुझे ना ये नहीं मिल रहा, एरर इन index.js मॉड्यूल फ्रॉम बेबल डिडिंग 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 डिडिंग, कोई एक चीज़ इसको मिल नहीं रही है इसमें से जो ऊपर मैंने इम्पोर्ट किया ना। तो मैं काम करता हूँ ये तमाम कमांड्स मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। अच्छा अब की बार में क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ टर्मिनल को, स्प्लिट करके मैंने रन कर लिया, ताकि वो भी चलता रहे साथ साथ और ये भी चलता रहे। पहली कमांड ये चल गई और आइकन पैक ये दोनों चला दिया मैंने, दोनों को एक साथ ही चला देता हूँ। सही है ये दोनों चल गया, और अच्छा ये प्रो वाला तो मेरे पास नहीं है ना, तो प्रो नहीं करूँगा मैं फिलहाल अभी, ठीक है। और ये तीसरा क्या आ गया, रिएक्ट कंपोनेंट, ये हो गया और रेडी, एड सम आइकन्स, बड़े और ले गया मुझे, एड आइकन विथ रिएक्ट। अच्छा हाँ ये मैंने शायद नहीं डाला था, इंस्टॉल बेबल मैक्रो और सेटअप बेबल कॉन्फिग। अच्छा ये तो सेटअप वेटअप भी करवा रहा है, यार ये तो बड़ा मुश्किल करवा रहा है सेटअप। ये अगर हमने सब इंस्टॉल किया है, हाँ ये सब जो इसका बूट एंड हमने इंस्टॉल किया है, तो घर में अगर फुल करेंगे तो वहाँ पे भी फिर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, हाँ वहाँ पे भी करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। जैसा अगर आइकन लग गई एक दफा, हाँ तो फिर भी कुछ कर दिया बैक से बैटर तो चलती रहेगी, आप अपने साथ कोर्स के दौरान रन करवा सकते हैं, तो आपको मशीन। अच्छा चल गया भाई, सही चल गया। अच्छा ये ना देखो ये प्रिंट होके आ गया आइकन मेरे पास, सही है।
वो असल में मिस्टेक ये थी कि इस वाले तरीके से मैं कर रहा था जो प्रो वाला तरीका है शायद, एड आइकन टू योर प्रोजेक्ट, इसी के नीचे इन्होंने एक अल्टरनेटिव वे टू एड आइकन लिखा हुआ है, यहाँ जो एग्जांपल है वो सही चल गई तो हम इस वाले से कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा तो अब इनके चलते हैं हम चार्ट में, जो इनका चार्ट है ना वहाँ चलते हैं हम, ये वाले तरीके से किया तो सही चल गया। अच्छा मैंने बोला फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स, सही है ये आइकन्स में आ गए हम चार्ट में। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले लाइक का चाहिए, सही है थम्स अप ये आ गया लाइक वाला। अच्छा थम्स अप पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे क्या क्या बता दिया, इसने मुझे इसका नाम बता दिया, ठीक है कोड पे क्लिक करूँगा तो कोड नहीं है, कहाँ पे आ रहा है, अच्छा ये रहा बीच में रिएक्ट आ रहा है, सही है। अच्छा तो ये मैंने रिएक्ट पकड़ लिया, सही है यार कॉपी कर लिया इस पूरे कोड को मैंने, अच्छा क्लिक करने से खुद ही कॉपी हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा ये एनवेलप को छोड़ के मैं ये पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे FAFA एनवेलप, देखते हैं ये थम्स अप प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। वेट, इसने पहले कैसे किया था, अच्छा FA एनवेलप जैसे इसने इम्पोर्ट करवाया था, यहाँ पे मैं ऐसे ही इम्पोर्ट करवा लेता हूँ, कौन सा वाला ये लाइक वाला ना, नाम क्या है इसका FA थम्स अप ये नाम है इसका। अच्छा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा क्या THUM, हाँ ये रहा ना थम्स अप, थम्स अप को मैंने यहाँ से उठा लिया इसे। इसमें हर चीज़ इंपोर्ट करवानी पड़ती है, ऐसा ही कॉमा डाल के कर लेता हूँ, सही है मैंने कॉमा डाल के ना एफ ए थम्स अप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे पास कर दूँगा, ठीक है एनवेलप को हटा दिया मैंने। अच्छा थम्स अप के अलावा मेरे पास क्या चाहिए मुझे, कमेंट चाहिए, कमेंट का कौन सा होता है यार इसमें से, अच्छा चलो यही वाला कर लेते हैं। अच्छा इसका नाम है एफ ए कमेंट, तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर एफ ए कमेंट के नाम से, मैंने कहा एफ ए ए एल टी डॉट वॉट, जो जितने उधर आ रहे हैं ना उतने यहाँ पे भी आ रहे हैं, एफ ए कॉमेंट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये दूसरा हो गया। तीसरा था शेयर, शेयर का सर्च कर लेते हैं क्या नाम है, ये रहा शेयर, इसका नाम है एफ ए शेयर, आ जाते हैं ऊपर, ये तीनों मेरे पास क्या आ गया, ये तीनों आइकन भी मैंने डिस्प्ले करवा दिए। अब मेरे पास जो काम रह गया है टोटल वो क्या रह गया है, इनके ऊपर मैं स्टाइलिंग ऐसी लगाऊं कि ये कुछ फेसबुक जैसा दिखना शुरू हो थोड़ा बहुत, है कि नहीं, ये मैंने चीज़ें जो डिस्प्ले करवानी थी वो तो करवा ली मैंने। अच्छा अब आ जाते हैं जी हम इमेज और ये जो नेम है ये तो एक लाइन में डिस्प्ले होगा राइट, तो मैं इसको एक डिव में कर देता हूँ, एक डिफ में कर दिया मैंने इसको, इन दोनों को इमेज को और नेम को। अच्छा अच्छा जी अब मैं क्या करूँगा, इस डिफ को अगर मैं फ्लैक्स बॉक्स बनाऊंगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे, साइड बाय साइड आ जाएंगे, साइड बाय साइड से। अच्छा पोस्ट की डेट मुझे चाहिए नाम के नीचे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पोस्ट की डेट और इन दोनों को मुझे एक डिव में पैक करना होगा, ताकि एक तरफ इमेज हो उसके सामने नाम और डेट ऊपर नीचे आ रहे हो, तो मुझे एक डिव यहाँ पे और भी लगाना पड़ेगा। ठीक है सही है बिल्कुल, एक ये मेरा मेन डिव है जो पूरी पट्टी है, सही है उसमें राइट पे ये और लेफ्ट पे ये, सॉरी लेफ्ट पे ये और राइट पे ये ऊपर और नीचे, स्पैन में भी कर सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल है स्पैन की जरूरत नहीं है,
ये इसकी जगह पे टेक्स्ट आ जाएगा ना, जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह जो वैल्यू देंगे वो टेक्स्ट इसकी जगह पे आ जाएगा। तो आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये सही है। अच्छा, नाम के बाद मुझे लाइन ब्रेक करके पोस्ट की डेट देनी है ना, तो मैंने क्या कर दिया, BRB लगा दिया वहाँ पर, ताकि वो अगली लाइन में है। ज़रा देखते हैं इसकी क्या रिपोर्ट है अभी तक। अच्छा, वो नीचे पास भी तो नहीं किया हमने। एक काम करते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो उसको पास करते हैं। कैसे करेंगे भला, मुझे यहाँ पे नेम दिया हुआ है ना मैंने, साथ में मुझे क्या देना है इसको, प्रोफाइल फ़ोटो देना है। प्रोफाइल फ़ोटो मैं इस वक्त यहाँ आता हूँ, हेडशॉट फोटोग्राफी लिख दिया मैंने, सही है। और मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक यहाँ से मैं बंदा उठा लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सही है। और इसका मैंने ये लिंक ऊपर से कॉपी कर लिया, ये लिंक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये लिंक यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ मैंने यहाँ से पास की है वो कहाँ जाएगी, इसके SRC की जगह पे आ जाएगी। तो हो गया ना मेरा काम, प्रिंट हो जाएगा वो, सही है। अच्छा, इसी तरह प्रोफाइल फ़ोटो मुझे क्या करना है, ये नीचे वालों को भी देना है। सबको सबको प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए ना। अच्छा, अब इसके लिए कोई दूसरा ढूंढते हैं, मिशेल ओबामा। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ये कॉपी करके मैंने सेकंड वाले को दे दिया। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, ये URL कुछ सही पेस्ट नहीं हुआ, ये दूसरा उठाते हैं, वो असल में डेटा URL आ गया उसका। अच्छा, ये वाला सही है, वो डेटा URL ना असल में थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा भाई, आते हैं कोई दूसरा देखते हैं इधर से। अच्छा, ये मेरे पास जो फोटो के लिंक्स हैं ये कहाँ से आ रहे होंगे, डेटाबेस से आ रहे होंगे मेरे पास, राइट। मेरे पास जाहिर है ये डेटाबेस में सबकी पोस्ट मेरे पास सेव है पहले से। देखते हैं ज़रा क्या हो गया, कुछ इस तरह का हो चुका है मेरे पास अभी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई फोटो छोटो है कोई फोटो बड़ी है, इस वजह से हो गया ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस इमेज के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास लगानी पड़ेगी एक अदद मुझे, और वो क्या होगा, क्लास नेम प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी CSS लिख लेते हैं। मैंने कहा भाई डॉट पोस्ट के अंदर, डॉट पोस्ट के डिसेंडेंट में मुझे क्या चाहिए, फोटो। तो ये मैंने सेलेक्टर सही लगाया है, हैं सोच के बताओ उसको, ग्रेटर देन वाला लगेगा, डिसेंडेंट में। असल में ग्रेटर देन इस नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है ये, पोस्ट के बाद डिव है और डिव के अंदर है ये। लेकिन मैं ये चाहता हूँ प्रोफाइल फ़ोटो मेरे पूरे पेज में कहीं और भी तो हो सकता है ना, उस पर ना लगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो लिखूँगा ना, कल को किसी और ने प्रोफाइल फ़ोटो के नाम से जैसे ही कोई क्लास लगाई ना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, कंपोनेंट की जब देखो, एक कंपोनेंट जो होता है ना, एक कंपोनेंट उसका HTML CSS और JavaScript एक ही फोल्डर में होता है, दूसरे किसी कंपोनेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब डिस्प्ले होगा तो सारे कंपोनेंट एक साथ डिस्प्ले होते हैं पेज पे, वो लोड सब एक साथ होता है। ये भी हम जब मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा, अभी तो शायद इतना मेक सेंस नहीं बन रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ को ऐसे ना करें, ठीक है। अच्छा,
50% क्या मतलब? नहीं, पिक्सल पिक्सल देना पड़ेगा ना मुझे इसका। बॉर्डर रेडियस मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर रेडियस, अच्छा ये देख रहे हो कोई ओवल बन गया, कोई क्या बन गया, ये ऐसा क्यों हुआ? हाइट और विड्थ उसकी अलग अलग थी, ठीक है, इस वजह से। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए, हाइट और विड्थ मैं दोनों इसकी सेम कर देता हूँ ताकि वो परफेक्ट सर्कल बन जाए, लेकिन उससे इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है कि आप उसका क्या करें, हाइट और विड्थ आप उसकी सेम रखें, अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। मैं बाय द वे एक काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है ना एक सर्च टूल होता है, तो इसमें मैं साइज इसका जो है ना वो भी कर सकता हूँ, 1x1 जो भी बोलूँगा ना मैं इसको, तो ये स्क्वायर इमेजेस मुझे दिखाएगा फिर सारी। स्क्वायर कैसे लिखूंगा, सही है स्क्वायर, अब ये मुझे स्क्वायर इमेजेस दिखाएगा, लेकिन अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इनमें से बहुत सारे। सर वो 215x215 ये वाला, हाँ मुझे काफ़ी सारे, अब ये सही कह रहे हो, बेहतर रिजल्ट आया है पहले वाले से, पहले वाले से बहुत बेहतर रिजल्ट आया है इसमें। वेल तो स्क्वायर इमेजेस भी मैं उठा सकता हूँ ऐसे। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसके पेरेंट को मुझे क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स बनाना है। तो इसके पेरेंट का मुझे कोई ना कोई फिर नाम भी देना पड़ेगा, इसके पेरेंट को क्या नाम होगा इसका, क्लास नेम मिसाल के तौर पर, कि बल्कि इसको मैं सेलेक्टर से दे देता हूँ डायरेक्ट। सेलेक्टर से कैसे दूंगा भला, नहीं कोई ना कोई क्लास देनी पड़ेगी इसको मुझे, क्लास नेम पोस्ट हेडर, पोस्ट के टॉप वाला हिस्सा है ना, तो मैंने पोस्ट हेडर इसका नाम रख दिया। तो मैंने बोला कि भाई पोस्ट के अंदर जो पोस्ट हेडर है ना उस पर मैं ही लगाना चाह रहा हूँ। पोस्ट हेडर को मैंने क्या बनाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा पोस्ट हेडर को मैं ऊपर रखता हूँ थोड़ा, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर तो उसके अंदर है ना, फिर थोड़ा ताकि मेक सेंस रहे। तो मैंने पोस्ट हेडर को बोला भाई डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। साथ साथ मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेता हूँ, इसको देखता भी जाता हूँ। ये मेरी पूरी पट्टी है जिसमें एक तरफ क्या है, प्रोफाइल फ़ोटो है मेरी, और दूसरी तरफ मेरा टेक्स्ट है। अच्छा प्रोफाइल फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है, इसको और कम करते हैं, 50x50 कर देता है ना, 50x50 कर देता है, सही है। अच्छा तो ये तो चलो भाई 50x50 हो गया, बेहतर हो गया, लेकिन नाम जो है वो इमेज के बिल्कुल सामने नहीं आ रहा, और डेट तो आई नहीं रही, डेट तो उन्होंने दिया ही नहीं, डेट भी दे देते हैं जल्दी से। अब डेट कैसे देंगे भला हम, डेट देनी है हमें अब जल्दी से, इसको सबको सेलेक्ट करते हैं एक साथ, और हम एक अदर डेट दे देते हैं इसको, क्या था पोस्ट डेट, मैंने कहा कि भाई 12 दिसंबर 2021, ठीक है, सबको मैंने सेम डेट दे दी फिलहाल के लिए, ठीक है डेट भी आ गई, ताकि वो CSS लगाऊँ ना मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कहाँ जा रही है क्या चीज़। अच्छा अब इसमें ना दो तीन मसले हैं छोटे छोटे से, एक तो मसला ये सेंटर में नहीं आ रही है, और दूसरा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा ये फ़ोटो से चपक रहा है, इतना चपकना भी नहीं चाहता मैं, इतना ये चपका रहा है। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को, क्या करूँगा आपस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस दे दूँगा। तो फ्लैक्स बॉक्स की जो आइटम्स होते हैं उनको आपस में अगर आपको डिस्टेंस देना हो तो क्या करना होता है, जस्टिफाई कॉन्टेंट में क्या लिखूँगा, स्पेस बिटवीन में तो ये होगा ये अरसलान उठ के बिल्कुल उस कोने पे चला जाएगा। स्पेस अराउंड में क्या होगा कि वो प्रोफाइल पिक्चर के इस तरफ सब जगह स्पेस आ जाएगा। मैं प्रोफाइल पिक्चर को हिलाना भी नहीं चाहता, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं फ्लैक्स बॉक्स जाके, नहीं हो सकता कैसी बातें कर रहे हो, नहीं हो सकता,
देख लेते हैं फ्लैक्स बॉक्स में, अगर कोई ऐसा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर मार्जिन दे देंगे, नहीं हुआ तो। अच्छा पहले तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास अलाइन आइटम है ना, अलाइन आइटम बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रेच, तो अलाइन आइटम तो पहले लगा ही दें, वो तो देखते रहेंगे फिर हम बाद में। मैंने कहा कि भाई प्रोफाइल फ़ोटो जो है, सॉरी ये है ना डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, हाँ सेंटर में तो ये हो गया, अब सिर्फ रह गया मार्जिन इसका। अच्छा मार्जिन देने के लिए मुझे क्या करना होगा, इमेज को मुझे मार्जिन राइट अगर मैं दे दूं, ये जो मेरा इमेज है अगर इसको मैं मार्जिन राइट दे दूं तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पूरा बॉक्स है, इमेज को मैं मार्जिन राइट देने लगा हूँ, मैं यहाँ आया प्रोफाइल फोटो, हाँ अलाइन क्या, अलाइन सेल्फ तो वो ऐसे ऐसे उसको अलाइन करने के लिए होता है, अलाइन सेल्फ सही है, लेकिन मुझे अभी पूरे को करना था, मैंने सेंटर कर दिया। तुम सही कह रहे हो, अगर पूरे आइटम में से किसी एक को ऊपर या नीचे करना हो तो अलाइन सेल्फ लगाते हैं, उसकी लेकिन ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे। मार्जिन राइट मैंने कहा कि यार 5 पिक्सल थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं 5 पिक्सल कम हो थोड़ा, 10 कर देते हैं, सही है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ऐसे ही होता है ना फेसबुक में, डेट का कलर चेंज होता है थोड़ा सा, ग्रेश होता है थोड़ा कलर, और डेट ऐसे होती भी नहीं है भाई ना, डेट में क्या लिखा हुआ होता है कि 5 मिनट अगो 12 मिनट अगो, इसके लिए हम क्या करते हैं मोमेंट जेएस लगाते हैं। क्या है बताओ, वेल छोड़ो, npm इंस्टॉल मोमेंट जेएस -- सेव, हम रिएक्ट में आ चुके हैं तो रिएक्ट में ये होता है अब तरीका, आ जाते हैं भाई, इसको भी इंस्टॉल कर दिया मैंने, मूवमेंट जेएस इंस्टॉल हो गया। अब मूवमेंट जेएस को ज़रा देख लेते हैं कि ये चलेगा कैसे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कैसे होगा बता ही नहीं रहे कहीं पे यार, बताओ नहीं बता रहे, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट में शायद बताया हो, वैसे तो मुझे पता है मूवमेंट लिख के ही होगा इम्पोर्ट, लेकिन हाउ टू इम्पोर्ट, अच्छा लोगों ने सवाल भी किया हुआ, कह रहे ऐसे करके कर लो स्टेरिक एज मूवमेंट जेस, सही है ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि मूवमेंट जेस एक ही तरह से इंस्टॉल होगा, मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मुझे डेट मिलेगी उसको मैं क्या बना दूँगा, मोमेंट बना दूँगा, मोमेंट बना के डॉट फ्रॉम नाउ, यही होता है ना, देख लेते हैं ये चल गया कि नहीं चल गया, 9 मंथ तक हो गया, वो जो डेट मैंने दी थी ना उसको 2021 दिसंबर 2021 की, मैं किसी एक में डेट चेंज कर देता हूँ, एक में मैं कह देता हूँ कि यार 22 अगस्त और 2022, तो अब देखो ये ऑटोमेटिकली एक को क्या कर देगा 22 डेज, वो मिनट्स भी आएंगे, वो फिर पूरा टाइम पूरा मिली सेकेंड में अगर होगा ना, ये जाहिर है वो तो जब पोस्ट करेगा तो उस वक्त का डेट हम पूरा मिली सेकेंड्स में उठा के सेव करेंगे ना, तो उसमें तो एक एक सेकेंड आएगा, वो कहेगा ना फ्यू सेकेंड अगो तक वो पकड़ता है, फ्यू सेकेंड अगो, फ्यू मिनट, 1, 2, 3 30 मिनट तक जाता है, फिर आवर पे चले जाता है, वो पूरा अपना इन्होंने किया हुआ है, मतलब सेटिंग सारी की हुई है, तो वो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, सब खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा तो ये हमारा ना एक कंपोनेंट अभी तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फेसबुक का जो पोस्ट है ना वो उसका एक कंपोनेंट तैयार हो रहा है, और रीयूजेबल है, आप देख रहे हैं जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि रीयूजेबल है। अच्छा तो 9 मंथ आ गया, अरसलान आ गया, इसको अभी मजीद स्टाइलिंग अब इस नाम पे मैं नहीं करूँगा, अब जल्दी से फ़ोटो पे और टेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो इसका फ़ोटो और टेक्स्ट है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट को एक बॉक्स में पैक करना है, सही है, तो इसको जाहिर है डिव में डालना पड़ेगा मुझे,
स्लिप हो रहा है, स्लिप। और इसको मैं क्लास क्या दे दूंगा, मैंने कहा कि पोस्ट टेक्स्ट, और इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ये जो पोस्ट की इमेज है इसको भी यहाँ पे पोस्ट इमेज। अच्छा, टेक्स्ट मैंने क्योंकि पास नहीं किया तो थोड़ा सा टेक्स्ट दे देते हैं इसको जाके। हम कहाँ से लेकर आएंगे टेक्स्ट, हम ये मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ से उठा लिया और मैं सब में यही टेक्स्ट पास करूँगा फिलहाल के लिए। अच्छा, ये क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है। सही है, ये पोस्ट में मुझे कोई टेक्स्ट भी देना है साथ में इसको। मैंने कहा सब में जो है ना यही टेक्स्ट पास कर दो फिलहाल के लिए। सही है, तो ये एक पोस्ट, ये दो पोस्ट, इस तरह मेरे पास तकरीबन चार पोस्ट हैं। और उसमें अब ये किस तरह का दिख रहा है, अब टेक्स्ट भी कुछ आ चुका है ना इसमें, तो वो भी मुझे विजिबल हो गया है। मेरा ख्याल है इस टेक्स्ट में मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है शायद, है ना, टेक्स्ट तो सही है, अपनी जगह पे आ रहा है। चलो अब इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब एक इमेज मेरे पास क्या है, एक इमेज तो ये मैंने कर दिया था ना, फेसबुक पोस्ट, ऐसे करके मैं कुछ पोस्ट उठा लेता हूँ, फेसबुक पोस्ट साइज, फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट लिख देता हूँ, लोगों ने टेम्पलेट्स में बना के रखे हैं। क्या बकवास है यार, मिल रहे क्यों नहीं है ढंग का। फेसबुक पोस्ट का जो है साइज देख लेते हैं, क्या एस्पेक्ट रेशो होता है फेसबुक का, 16:9। खैर एक काम करते हैं ना, रियल फेसबुक से जाके हम एक दो पोस्ट उठा लेते हैं। सही है, क्या इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा। नहीं सर, जब भी हम HTML के अंदर जब भी हम div dot अगर कुछ लिखते हैं तो वो उसी क्लास बन जाती है, फिर वो हैश लिखते हैं तो फिर वो उसी ID बन जाती है, इसके लिए नहीं। क्वेरी सेलेक्टर की बात कर रहे हो? नहीं सर, div जैसे हमने HTML बनाया हाँ, और सीधा div dot हमने कुछ क्लास लिख दी उसकी तो क्लास बन जाएगी ना एंटर दबाएंगे तो। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया था। अच्छा वो उसकी बात कर रहे हो, देखो वो भी मैं बता दूंगा कैसे होता है, वो होगा इसके अंदर अभी, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं किया अभी ना। पहला मैं कुछ जो इतना सीख लिया ना हमने, ज़्यादा ज़्यादा सीखने से फिर बंदा भूलना शुरू हो जाता है। अभी जितना सीखा है ना उतने ही पे हमने क्या बनाना है, ये फेसबुक की ना ऐसी पोस्ट पूरी बनानी है। देखो हमने बना लिया ना ऑलमोस्ट, ये पट्टी हमने बना ली है इतनी, 10:06 AM जाहिर है वो फॉर्मेट जो होता है फ्रॉम नाउ, उसमें मैं जैसे मर्जी ऐसे लगा दूँ वो करता रहेगा अपना, ठीक है। ये छोटा सा आइकन है ये भी मैं लगा सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली पोस्ट, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ना ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इमेज आ गई पूरी, इस इमेज को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और अब मैं क्या करूँगा, पोस्ट इमेज के नाम पर मैं ये उसको दूँगा, ठीक है, चारों को एक ही दे देता हूँ फिलहाल के लिए। वैसे तो हर दफ़ा अलग होगा, पोस्ट IMG था या पोस्ट इमेज था, पूरा पोस्ट इमेज है पूरा। ये मैंने एक ही इमेज चारों को पास कर दिया, तो ये पोस्ट इमेज में मुझे हर दफ़ा ये इमेज मिल रही होगी। देख लेते हैं ज़रा कैसा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ओके, पोस्ट इमेज तो मुझे IMG के उसमें दिखाना था ना, मैं कैसे लगा रहा हूँ अभी IMG, सही है, ALT
सही है, बाहर निकल गया इसमें से। अच्छा तो ये सेट हो गया। अब ये क्लास नेम भी डायरेक्ट मैं इसी पे दे दूंगा, अलग से डिव बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ये टेक्स्ट है उसके बाद डायरेक्ट इमेज है। अब इस पे जो पोस्ट इमेज जो है, पोस्ट इमेज के ऊपर मुझे कोई ना कोई सीएसएस लगानी होगी। मेरी जो ओवरऑल पोस्ट है इसका जो विड्थ है वो 300 पिक्सल है, तो 300 पिक्सल होने की वजह से अब मुझे इसकी भी विड्थ क्या देनी पड़ेगी। नहीं अभी मैं फिलहाल 100% नहीं कर रहा उसका, फॉर अ रीज़न। ये आपका असाइनमेंट भी बाय द वे यही है आज का, यही जो मैं बना रहा हूँ ना यही आपने भी बनाना है। अच्छा तो मैंने उसको 300 कर दिया फिलहाल, सही है 300 कर दिया। अब ये सही हो गया, बिल्कुल सही दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है अब लास्ट चीज़ मेरे पास रह गई है, ये चीज़ें रह गई हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको इक्वली डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको फूटर बोल दूंगा मैं, मैंने इस पर क्लास लगा दी पोस्ट फूटर। ठीक है और पोस्ट फूटर को मैंने क्या कर देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो गया, और क्या करना था इस पर, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस अराउंड, सही है हो गया। अच्छा मार्जिन टॉप, कुछ इमेज पे भी लगेगा, सही कह रहे हो। कुछ यार अलग लग रहा है, ये फील नहीं आ रही। लाइक कमेंट और वो लिखा हुआ नहीं, इन्होंने लिखा हुआ भी है लाइक कमेंट शेयर, हमने सिर्फ आइकन लगा दिया। लिख देते हैं, आ जाओ, आ गया भाई, मैंने कहा कि भाई लाइक लेकिन एक मसला हो गया, मसला ये हो गया कि ये जो है ना फूटर हमारा, इसमें ये इसको फिर पूरे को हमें एक डिव में करना होगा ताकि ये आइकन और टेक्स्ट साथ साथ रहे, वरना स्पेस जो है ना ये फिर मसला कर रहा है। वो यानी जस्टिफाई कॉन्टेंट में वो तीन चीज़ें नहीं है, फिर वो छह चीज़ों में डिवाइड कर रहा है और बहुत गंदे तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है मैंने डिव कर अंदर कर दिया कि भाई ये डिव है पेरेंट और ये डिव है चाइल्ड, तो इतना पूरा एक आइटम है, कुछ बेहतर हो गया। अभी भी कुछ कमी है इसके अंदर, क्या कमी है यार, हवर करने पे इस पर कुछ हो नहीं रहा हमारे वाले में, है ना। अच्छा इन्होंने लाइन भी लगाई हुई ऊपर और नीचे इसके, हम भी लगा देते हैं ऊपर इसके, लगाया हुआ इन्होंने अचार, एक अचार ऊपर है इसके और एक अचार नीचे, ऐसे ही है ना हॉरिजॉन्टल रूल। अरे ये क्या हुआ, ओके अचार मुझे बाहर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अचार को भी फिर डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर काउंट कर रहा है, इसके बाहर लगा देता हूँ मैं अचार, काफ़ी रियल लग रहा है अभी, है ना। हाँ ये एच आर के ऊपर लगेगा मेरे ख्याल है, इमेज के ऊपर नीचे भी मार्जिन लगा देते हैं, इसमें से हटा देते हैं मार्जिन क्योंकि वो फिर ना एक लाइन ऊपर एक नीचे हो रही है, इसमें से ही मार्जिन टॉप हटा के ना इसी में मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम लगा देते हैं। क्या बात है,
हाँ भाई सेट बन गया काफ़ी, अभी है हमारे पास आधा घंटा। अच्छा ये टेक्स्ट भी ना ऊपर काफ़ी चिपक रहा है, इतना नहीं चिपकना चाहिए शायद, तो टेक्स्ट पे भी ना टॉप लगेगा मार्जिन टॉप कुछ। अच्छा टेक्स्ट पे मैंने कुछ लगाया है, अच्छा हेडर पे हम मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, सही है। हाँ ऊपर से थोड़ा नीचे हो गया ना वो, सही हो गया। अभी कमेंट बॉक्स नहीं बना रहे हम फिलहाल, अभी ये यूआई तैयार हो गई है हमारी, जो रिएक्ट है वो क्या है रिएक्ट यूआई बनाने की लाइब्रेरी है, तो वो हमने बना ली यूआई। सब हो सकता है लेकिन अभी हमने वो किया नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया है ना, और एक कंपोनेंट बना के अब हमने अगली चीज़ क्या सीखी है कि कंपोनेंट सेम होगा, अलग अलग डेटा देंगे अलग अलग डेटा रेंडर करेगा। मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक की कोई दूसरी पोस्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, अब मैं इसको देखो ये वाला दूंगा ना इमेज किसी एक में तो ये डिस्प्ले कर देगा, वो जो इमेज दूंगा वो डिस्प्ले कर देगा। मैं पहले वाले का ही इमेज उड़ा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा भाई पहले वाले में इमेज, भाई तो भाई ये डेटाबेस से आएगा मेरे पास, ये असल में तीन बार जो हाथ से मैंने लिखा है ना, ये हाथ से तीन बार, ये तो मैप चल रहा होगा ना मेरा, ये तो मैप चल रहा होगा, ये जो तीन बार मैंने हाथ से लिखा भाई ऐसे हाथ से थोड़ी लिख रहा हूँ, ये तो मैप चलेगा और पूरा एरे आएगा जैसे फोरकास्ट में आता था ना एपीआई से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो होगा मेरे पास, तो उसमें हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नाम एक पोस्ट एक प्रोफाइल फोटो एक कॉमेंट एक टेक्स्ट ये सब होगा, उसको मैप चला के उसको 10 बार हम डिस्प्ले करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी वो करेंगे लेकिन हम अभी थोड़ा अभी एक दो क्लासों में करेंगे इंशाल्लाह वो, ये तो ये मैनुअली हम कर नहीं रहे होंगे भाई दादा। हाँ भाई ये लो सही है, कुछ मेक सेंस हो रहा है कि क्या होता जा रहा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट जितना होगा उतना डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा। किसी एक में मैं टेक्स्ट उड़ा देता हूँ, जैसे इस वाले में मैं टेक्स्ट क्या कर देता हूँ गायब कर देता हूँ टेक्स्ट, सिर्फ इमेज आ जाएगी टेक्स्ट नहीं होगा। अच्छा इसकी हाइट जो है अभी वो फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है फिक्स की हुई है, ठीक है मैं हाइट हटा देता हूँ डायनेमिक हो जाएगा हाइट, जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट होगी, हाइट मैंने कहा 400 नहीं है बस, हाइट जितनी जितना कंटेंट उतनी हाइट, ये लो। तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक कंपोनेंट, और डायनेमिक कंपोनेंट रीयूजेबल होता है, डायनेमिक कंपोनेंट क्या होता है रीयूजेबल होता है। बाय द वे अच्छा तीसरे वाले में कोई तीसरी इमेज लगा देते हैं, कोई और इमेज ढूंढते हैं, वीडियो अभी फिलहाल अभी वीडियो को छोड़ दो, लग तो वैसे सब जाएगा वीडियो भी लगेगी सब लगेगा, ये क्या है फोटो है वीडियो ये भी, अबे कोई सीधी फोटो भी की है मैंने यार, हाँ ये वाली चलो ओपन इमेज इन न्यू टैब, इससे मुझे यूआरएल मिल गया यहाँ पर। मैंने कहा भाई साहब अभी जो थर्ड इमेज है ना मेरी, ये जो थर्ड इमेज है मैंने कहा इसको क्या करना है हमने, इसको ये वाला लगा दो इसकी जगह, देख रहे हो ये वाला आ गया। अब नोट करना तुम ये इमेज क्योंकि हाइट में बड़ी थी तो मेरा ओवरऑल टेक्स्ट की हाइट भी बढ़ गई, ओवरऑल पोस्ट की हाइट भी बढ़ा दी इसने, ठीक है। लास्ट में सैलानी है ना तो हम सैलानी का बैनर इस पर लगा देते हैं, सैलानी का बैनर मिल जाए हमें, सैलानी हाँ ये देखो ये पोस्ट आ गई सही है, या ये रोटी बैंक की पोस्ट है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये तो बहुत छोटी सी पोस्ट है ये, ये वाली एंट्री टेस्ट होगी। पता नहीं साइज क्यों छोटा आ रहा है सबका,
ये डेटा यू आर एल आ गया, कंट्रोल जेड, छोड़ो यार एक ही बात है। अच्छा तो हमने क्या कर लिया अभी तक, रिएक्ट में हमने मूवमेंट जेएस को भी लगा लिया, रिएक्ट में हमने छोटी मोटी चीज़ें जो जो हमने सीखी थी वो सब हमने लगा ली और एक फेसबुक जैसी पोस्ट बना ली हमने। अच्छा और उस पोस्ट को ना ऐसे यहाँ पे रेंडर करवा दिया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आई हो, ये है मेरी पोस्ट का कंपोनेंट। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, अब मैं एक चीज करने जा रहा हूँ। फॉन्ट ऑसम तो यार वो जाओगे उसकी वेबसाइट पे, वो चार पांच छह चीजें इंस्टॉल करवा रहा है, उसके बाद ये कोड मेरा वाला ऐसे ही कॉपी कर लेना जैसे ये मैंने की लगाया है, बस सिंपल है। मूवमेंट को असल में अच्छा ये ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंशाल्लाह हम जब सर्वर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लोर करना है, लेकिन इम्पोर्ट आम तौर पे ना लाइब्रेरी में ही लिखा होता है कि उसको इम्पोर्ट कैसे करना है, तो मतलब ऐसी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हर लाइब्रेरी ने एग्जाम्पल बताया होता है कि ऐसे इम्पोर्ट करना है, ठीक है तो आप उसको देख के इम्पोर्ट कर लेंगे, इम्पोर्ट एक ही दफ़ा होता है, वहाँ मेंशन होता है एग्जांपल कोड में कि भाई ऐसे करके चलेगा ये कोड। अच्छा ये जो प्रॉप्स है ना ये फंक्शन हम तो कॉल कर नहीं रहे, ये फंक्शन कॉल कौन करेगा, ये हमने इसको दे दिया फिर रिएक्ट को, रिएक्ट कॉल करेगा हमें नहीं पता कब करेगा, और हमने रिएक्ट को जब ये फंक्शन दिया तो साथ साथ हमने वो भी दे दिए कि यार प्रॉप्स में मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो जब भी फंक्शन कॉल करेगा इन प्रॉप्स के साथ करेगा, और ये किस फॉर्म में मुझे देगा प्रॉप, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देगा मुझे प्रॉप, ये सही है और वो मुझे मिल भी रहा है जैसा कि आपने देख भी लिया मिल भी रहा है वो। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो एक ही कंपोनेंट था ना, एक और बना लेते हैं, एक और कंपोनेंट बना सकता हूँ ना मैं, मैंने इसका नाम रख दिया पेज, मैंने इस कंपोनेंट का नाम क्या रख दिया पेज, और मैंने कहा रिटर्न आई एम पेज कंपोनेंट। अच्छा ये कंपोनेंट अभी कहीं पे यूज नहीं हो रहा इस वक्त, ठीक है अच्छा तो काम करते हैं इसको फिर यूज़ में लाते हैं कहीं ना कहीं से। इन चारों पोस्ट को जो मैंने यहाँ पे रेंडर किया हुआ था इसको मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने क्या पेज करवा दिया, कैपिटल पी से पेज, ओह ये कचरा जो हुआ हुआ था यहाँ पे थोड़ा क्लीन हो गया कचरा, यहाँ पे लेकिन क्या हुआ आई एम पेज कंपोनेंट लिखा हुआ गया, जैसा कि शुरू में उसने जिक्र किया था कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट लग सकता है, तो क्या इसके बीच में मैं पोस्ट वाला कंपोनेंट पेस्ट कर सकता हूँ, चला सकता हूँ भाई डिव के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे मैं आई एम जी का कंपोनेंट लगा सकता हूँ ना, आई एम जी भी एक कंपोनेंट है जे एस एक्स का, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पोस्ट का कंपोनेंट भी यहाँ लगा सकता हूँ, पोस्ट का कंपोनेंट भी क्या कर सकता हूँ यहाँ लगा सकता हूँ, इस कंपोनेंट का नाम क्या है पेज है, ठीक है नीचे मैं डिस्प्ले कराता हूँ पेज को, लेकिन पेज जब डिस्प्ले होता है तो पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था यहाँ पे कि आई एम पेज कंपोनेंट वही डिस्प्ले होता था, अभी पोस्ट लिखा हुआ है तो पोस्ट डिस्प्ले होगा, जिस पैरामीटर के साथ लिखा हुआ है उस पैरामीटर के साथ डिस्प्ले होगा, ठीक है किसी एक का मैं अगर पैरामीटर उड़ा दूंगा तो वो बगैर पैरामीटर के हो जाएगा, ये वही हो गया दोबारा। अब टोटल मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, दो मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक पोस्ट और एक पेज। अब मुझे जो है ना
इसको सेंटर वेंटर करने वाला जितना काम है वो मैं दूसरे कंपोनेंट में करूँगा, पेज में करूँगा भैया, ठीक है। ये पेज का जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैं करूँगा। अच्छा बाय द वे ये तरीका लेकिन सही नहीं है, ये जो मैंने एक ही पेज में मैंने दो कंपोनेंट बनाया है ना, ये तरीका सही नहीं है। रिएक्ट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक कंपोनेंट एक फोल्डर में होगा। अब ये लेकिन अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, ये गलत तो मैंने किया है, प्रैक्टिस सही नहीं है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अलग अलग फोल्डर नहीं बना रहे अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। कंपोनेंट्स जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि एक किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा फुली फंक्शनल पार्ट कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा पार्ट होता है जो कि इट्सेल्फ फुली फंक्शनल है, वो कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बैटरी है, मोबाइल के अंदर बैटरी, अगर मोबाइल से बैटरी निकाल दें आप और मोबाइल से बैटरी निकाल के उसको आप छोटी मोटर में लगाएं तो वो मोटर को घुमाना शुरू कर देगा, ठीक है। बैटरी को तो नहीं पता कि वो मोबाइल है या क्या चीज़, वो फुली फंक्शनल है बैटरी अपने आप में, एक कंप्लीट चीज़ है, ठीक है। तो आप उसको किसी दूसरे मोबाइल में भी लगा सकते हैं। तो कंपोनेंट इंटरचेंजेबल होते हैं, कंपोनेंट किसी बड़ी मशीन का छोटा कंप्लीट पार्ट होता है इट्सेल्फ। वो जैसे एसी में कंप्रेशर होता है, इसको आप एसी से निकाल भी दें तो ये कंप्रेशर तो कंप्रेशर है, उसका काम है हवा को कंप्रेस करना। लोग साइकिल की दुकानों में हवा भर रहे होते हैं इसके कंप्रेशर से, एसी के, है ना। तो इसी तरह कंपोनेंट जो होता है ना वो एक फुली फंक्शनल पार्ट होता है। तो एक कंपोनेंट की जो जावास्क्रिप्ट होगी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, वो एक फोल्डर में होगी, दूसरी जगह पे कुछ भी उसका नहीं होगा। मतलब दो कंपोनेंट जो मैंने एक पेज पे बना दिए इस तरह कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये हम अगली क्लास में इसी को इम्प्रूव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सीन है इसके। अच्छा अब हमें अगला काम क्या करना था यार। अच्छा ये चार पोस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा अभी ये चार पोस्ट मेरे पास कहाँ से आती है, कहीं से भी नहीं आ रही, मैं हाथ से इमेजिन करके लिख रहा हूँ। अगली क्लास में कोशिश रहेगी मेरी कि हम ना एक वेदर का इसी तरह का कार्ड बनाएं, वेदर ऐप जो हमने बनाई थी, बन जाएगा वेदर का कार्ड, ऐसा कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं है। फिर हम वेदर की एपीआई को कॉल करेंगे, वहाँ से आएगा पूरा एरे, उस पर चलाएंगे लूप, और लूप के हर आइट्रेशन पे हम क्या करेंगे, एक कार्ड प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। या नमाज टाइमिंग की एपीआई कॉल करेंगे, बल्कि उससे भी बेस्ट ट्विटर की पब्लिक एपीआई कॉल करेंगे। ट्विटर में कोई भी सर्च टर्म लिख के ना आप पब्लिक पोस्ट उठा के ला सकते हैं, तो वो 200-500 हजारों पोस्ट आ जाती है ऐसे लाइन से, वो करेंगे। वो एरे दे देता है पूरी पोस्ट का, और हर पोस्ट में क्या होता है, प्रोफाइल फोटो, उसका टाइम, उसकी डेट, उस बंदे का नाम, उसके अंदर फोटो वोटो अगर कुछ है तो वो सब आता है उसके अंदर, है ना। सही रहेगा तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, असली फेसबुक बन जाएगी बिल्कुल। अच्छा फिर बहुत ही जल्दी हम, अभी तो हम दूसरे लोगों का सर्वर कॉल कर रहे हैं ना, फिर हम यही सर्वर खुद भी बना लेंगे अपना ये रिएक्ट ख़त्म करने के बाद। वैसे तो मुझे सर्वर पहले पढ़ाना था, मैं रिएक्ट से पहले सर्वर पढ़ाना चाहता था, लेकिन सैलानी में जो आउटलाइन बना हुआ उसमें रिएक्ट पहले है, तो क्योंकि सब टीचर्स रिएक्ट पहले पढ़ा रहे हैं तो फिर मैंने भी पहले ही सोचा कि पढ़ा दूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं जो दूसरी जगह पर कोर्सेस जहाँ पर मेरा पूरा कंट्रोल है इन चीज़ों पर, तो वहाँ पर मैं सर्वर पहले पढ़ा रहा हूँ। अच्छा वेल एक ही बात है, कोई इतना फ़र्क नहीं है, पहले पढ़े या बाद में पढ़े, एक ही बात है। ओके अब आगे मैंने क्या बताना था, हाँ अब आर्टिकल में आता है ना, क्या आगे क्या बता रहा है ये, पास कंपोनेंट्स, पास प्रॉप टू कंपोनेंट्स। तो हमने कंपोनेंट के अंदर इनपुट लेना और उसको इस्तेमाल करना सीख लिया, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो आप ऐसे प्रॉप्स पास कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है, आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे स्ट्रिंग में पास करो। हमने तो अभी सारा स्ट्रिंग में पास किया, अपने केस में अगर देखें तो ये सब स्ट्रिंग में पास किया हमने, देख रहे हो, कह रहे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सब स्ट्रिंग में पास करो। कह रहे पासिंग प्रॉप्स इज वेरी सिमिलर टू सेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑन एन एचटीएमएल टैग। कह रहे ऐसा लगता है देखने में कि एचटीएमएल टैग्स पे एट्रीब्यूट लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही लगता है ना। प्रॉप्स जो पास करना, अ लॉट ऑफ JSX सिंटैक्स इज बोरोड फ्रॉम HTML। बोरो का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो CSX का है वो सब HTML से ही तो लिया है इन्होंने, तो सेम इसी वजह से दिख रहा है वो। अच्छा हेयर इज अ कूल थिंग अबाउट प्रॉप्स, यू कैन पास वट एवर यू वॉन्ट इन टू देम।
यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिंग्स. एट्रीब्यूट में स्ट्रिंग के अलावा आप कुछ भी पास नहीं कर सकते, नंबर नहीं पास कर सकते. नंबर भी पास करेंगे तो मिलेगा स्ट्रिंग में ही. और ट्राइंग टू गैस वट इट विल बी विथ योर स्ट्रिंग. कफ कफ एंगुलर वन, एंगुलर वन को ट्रॉल किया इसने थोड़ा यहाँ पर. रिमेंबर अर्लियर एंड 30 सेकेंड्स अगो हाउ वी पुट जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड सिंगल ब्रेसेस. कह रहे हैं हम JSX के अंदर सिंगल कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, उसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखो वो चली जाती थी, ऐसे ही होता था ना. वेल यू कैन डू द सेम थिंग विथ प्रॉप वैल्यूज. कह रहे ऐसे आप ना स्ट्रिंग की जगह जो है वो ट्रू दे दो तो वो ट्रू ही मिलेगा, बूलियन मिलेगा अंदर आपको, उस पर डायरेक्ट एफेंस लगा सकते हैं. कह रहे 64 दे दो ऐसे नंबर, डायरेक्ट नंबर मिलेगा, वो स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा. या फिर आप ऑब्जेक्ट दे दो, देख रहे हो एक ब्रैकेट वो जावास्क्रिप्ट के लिए सिंगल सिंगल ब्रेसेस, उसके अंदर वाला वो ऑब्जेक्ट का अपना भी जो होता है ब्रैकेट, ऐसे करके ऑब्जेक्ट दे दो आप, ठीक है. या कोई फंक्शन पास कर दो, अंदर वो फंक्शन ही मिलेगा आपको, स्ट्रिंग नहीं मिलेगी. फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करोगे कॉल हो जाएगा. तो कह रहे हैं ये इस तरह करके आप कुछ भी पास कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है. अच्छा, नॉट एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग. कह रहे हैं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, डोंट पास एवरी प्रॉप एज अ स्ट्रिंग सराउंडेड बाई कोट्स. कह रहे हैं कि भाई ये आप ना हर चीज़ को ऐसे पास नहीं करो, ये मुनासिब नहीं है यहाँ पर. समटाइम दैट्स वॉट यू वॉन्ट बट नॉट ऑलवेज. जैसे हमारे केस में हमने सब चीज़ों को स्ट्रिंग पास किया है क्योंकि हमें देना ही स्ट्रिंग था. समटाइम यू वॉन्ट टू पास स्ट्रिंग, लेकिन हम नॉट ऑलवेज. बी इंटेंशनल अबाउट वॉट यूर टाइप यूर पासिंग इन. कह रहे हैं कि आप इंटेंशनली पास करें आप, अगर स्ट्रिंग करना है या बूलियन करना है या नंबर करना है. यानी डेटा बेस से अगर नंबर आ रहा है तो नंबर पास होगा करो, ठीक है, एज इट इज पास होगा. बिकॉज इट विल कम आउट एज द सेम टाइप, ठीक है, जो पास करेंगे वही मिलेगा अंदर. इसलिए कह रहे हैं कि ये वाला फॉल्स और ये वाला फॉल्स, ये दोनों अलग अलग है. ये स्ट्रिंग में मिलेगा अंदर और ये बूलियन में मिलेगा अंदर. अच्छा, रिट्रीविंग प्रॉप ये हमने तो वैसे कर लिया है. अब ये रिसीविंग प्रॉप में ना प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम और प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम ऐसे करके लिया हुआ था. यहाँ से फर्स्ट नेम पास किया, लास्ट नेम पास किया, इधर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल गया. कह रहा है कि क्योंकि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना ES6 के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है इसकी, तो कह रहे हैं आप क्या कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हो. तो ये अपने में इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम जाके जल्दी से. अपना ही हमने खोला पोस्ट का, कहाँ गया पोस्ट हमारा भाई, ये रहा पोस्ट. ये जो प्रोफाइल फोटो है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, प्रॉप्स डॉट प्रोफाइल फोटो हटा के ना मैंने बोला भाई ये प्रोफाइल फोटो है, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया मैंने उसको, ठीक है. उसके बाद नेम, ठीक है, नेम के बाद पोस्ट डेट, ठीक है, पोस्ट डेट हो गई. और क्या था मेरे पास, पोस्ट टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ. ये सबको डिस्ट्रक्चर कर दिया मैंने, आखिर में कुछ आया हमारे पास और ड्रेस हो गया, ठीक है. चल आगे भी देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है. तो ये डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं हम ES6 के अंदर. अच्छा जी, और आगे चलते हैं, और क्या बता रहे हैं. कह रहे फंक्शन जो हम बना रहे हैं, जो फंक्शन हम बनाते रहे हैं अभी तक कंपोनेंट के लिए, कह रहा है वो फंक्शन तो था ES5 वाला ना, फंक्शन भी कीवर्ड के साथ. तो कह रहा है फंक्शन ना ये वाला भी बना सकते हैं आप, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है. तो आके ज़रा बना देते हैं. ये पोस्ट वाला जो फंक्शन था इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट पोस्ट इक्वल्स टू और लैम्डा फंक्शन, ये बन गया. ये मैंने जस्ट चेंज किया, उसके टेक्स्ट को चेंज किया मैंने, फंक्शन का कीवर्ड हटा दिया मैंने और ये लगा दिया. ES6 में फंक्शन बनाने का यही तरीका है, फ़र्क नहीं है. फ़र्क तो है भाई दबे, लेकिन अभी वो इररेलेवेंट हो गया. वो फ़र्क उसको बताना है जिसने पहले ES5 पढ़ी हुई है,
लेकिन जो बंदा डायरेक्ट ES6 पढ़ रहा है उसको फर्क बताने की जरूरत नहीं है, वो यही डिफॉल्ट है उसके लिए। मिसाल के तौर पर ES5 वाले में होस्टिंग हो जाती है, इसमें नहीं होती, तो होस्टिंग तो किसी में भी नहीं होती, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही होती थी, वो भी ख़त्म हो गई है इसमें से, अल्लाह का शुक्र है। सही है, तो ये हमने इसमें लैम्डा फंक्शन बना दिया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ये रिटर्न का जो कीवर्ड लगाते हो इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक लाइन का तो रिटर्न है पूरा का पूरा, भाई सिंगल पेरेंट होता है ना इसका, तो एक लाइन ही कहलाएगा वो, तो कह रहे ये रिटर्न का कीवर्ड क्यों लगाते हो। ये हम ये पहले पढ़ चुके हैं भाई, जब है ना, ठीक है, एक फंक्शन बनाने का ये तरीका है ES5। उसके बाद हमने क्या किया, हाई लिखा और फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बना दिया, सही है, उसके बाद लैम्डा फंक्शन बना दिया ES6 वाला, उसके बाद ये बना दिया। अगर सिंगल लाइन में हो रहा होता है रिटर्न, तो हमें रिटर्न का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें रिटर्न का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम आते हैं यहाँ पे, अपना ये रिटर्न का कीवर्ड मैं हटा देता हूँ और ऊपर से ये बॉडी भी हटा देता हूँ, इसकी बॉडी भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और नीचे से भी हटा देता हूँ ये मैं बॉडी। नहीं आएगा, सिंगल लाइन है, कैसे नहीं है सिंगल लाइन, ये पहली लाइन में एक ही डिव है ना, वो तो अंदर उसके पेरेंट्स हैं, ये देखो ना सिंगल लाइन ही है ये, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं एहतियातन क्या करो, आप इसमें गोल ब्रैकेट लगा दो एहतियातन, ठीक है, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं ऐसे आप गोल ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ठीक है, जस्ट इन केस वाला, कह रहा वो गोल ब्रैकेट लगा दो आप, जैसे इसने यह गोल ब्रैकेट लगाई भी है, कह रहा है अगर आप गोल ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो फिर आप वो भी नहीं लगाओ तो भी मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं गोल ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। तो एक था ये पुराना तरीका, ये आप देख रहे हैं पुराना तरीका है, और ये हो गया नया तरीका कंपोनेंट को लिखने का, ES6 वाला तरीका है ये, यानी कुछ भी नहीं है, सिंटैक्स ही चेंज है बस थोड़ा सा, काम तो सब वही हो रहा है, लेकिन कहीं आपको कोई वो ना कर दे, डरा ना दे कि भाई हम तो ES6 में कोड लिखते हैं रिएक्ट का, सही है वो सब एक ही, लेकिन आप अभी जाएंगे ना इंटरव्यू देने तो आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे, कहेंगे भाई ES6 आता है, हम ES5 में तो काम नहीं करते, हम तो ES6 पे करते हैं पूरा, आप बोलेंगे यार पता नहीं है कौन सी ES6 की बात कर रहा है, यही है सारा वो। अभी तो ऑन क्लिक हमने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे ऑन क्लिक भी, अभी ऑन क्लिक का भी आगे आएगा हमारे पास, अब आ गया ये योर टर्न। योर टर्न में ना इसने बनवाया मीडिया कार्ड, कह रहा है एक्सेप्ट 3 प्रॉप, बॉडी, टाइटल और इमेज URL, लेकिन आपको इतना आसान नहीं बनाना है, ये तो इतना तो मैंने इससे ज़्यादा तो करके दिखा दिया, आपको क्या करना है, फेसबुक की पोस्ट खोलनी है या ट्विटर की, और उसको बिल्कुल एज इट इज पिक्सल परफेक्ट उसकी कॉपी बनानी है रिएक्ट कंपोनेंट के जरिए, ताकि अगली क्लास में जब आप आए तो हम ट्विटर की या फेसबुक की ना पब्लिक API कॉल करें, सारी पब्लिक पोस्ट मंगवा के और उसको रेंडर करें स्क्रीन पर, ठीक है, असली फेसबुक तैयार करें। हाँ पब्लिक API तो सबकी है, पब्लिक API होती है ना कि पब्लिक पोस्ट आपको गेट होती है सर, क्योंकि गूगल सर्च में भी पब्लिक पोस्ट आ रही होती है, तो पब्लिक API सबकी है, लिंक्डइन की भी है, ट्विटर की भी है, फेसबुक की भी है अपना। अच्छा ये कह रहा है इसमें इमेज भी लगाओ SRC करके, तो आपको ना ये सारा तो करना ही है, ठीक है, ये स्पीड, डेंजर और फाइन और प्रोबेबली फाइन ये करके ना, ये तीन जो बता रहा है ये कर लेना, और ये करने के बाद वो फेसबुक वाला, यानी ये इसने जो बताया इसकी भी बात रखनी पड़ेगी ना थोड़ी। अच्छा उसके बाद हमारे पास है स्टेट इन रिएक्ट कंपोनेंट, अब ये स्टेट जो है ना रिएक्ट कंपोनेंट का जो स्टेट है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक का वाला काम हम शुरू करेंगे कि भाई अब लाइक के बटन दबाने पे क्या हो, लाइक ब्लू हो जाए, कब तक ब्लू रहे वो, स्टेटफुल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम अगली क्लास में होपफुली, सही है, अगर वो हमारा ये अभी रेंडर वाला काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं फिर अगली क्लास में जी। पूरी बॉडी बनानी है ना, ये तो मैं बात बोलते बोलते रह गया,
इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा क्लास, इसके ऊपर मैं क्लास लगाऊंगा पेज, पेज मैंने क्लास लगा दिया। अब जो मेरा पेज है अभी, उस पेज में इस पोस्ट को सेंटर करना है ना, इस पेज में ये पोस्ट सेंटर पे तो नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पे पेज पे आके क्या बोलूँगा, बोलो, डिस्प्ले फ्लैक्स। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करने से ऐसे हो गया पहले तो ये, उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, सही है कॉलम हो गया। अब सेंटर करना है इसको, जस्टिफाई कॉन्टेंट ये होगा, सही है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो अपोजिट हो जाता है। अलाइन कॉन्टेंट यूं के लिए होता है ना, तो वो यूं के लिए हो जाता है, सही है, डायरेक्शन चेंज करने से वो भी अपोजिट हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, डायरेक्शन कॉलम कर दिया ना हमने, लेकिन अच्छा जस्टिफाई ऐसे होता था तो वो अब ऐसे हो गया ना, सही सही कहा तुमने, अलाइन आइटम हो गया, हाँ अपोजिट तो हुआ है लेकिन ALIGN आइटम्स, हाँ सही हो गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। मतलब इस तरह की जो जो चीज़ें फेसबुक में है ना, वो सब करनी है। आइडियल केस में ऊपर एक हेडर भी आ रहा हो तुम्हारे केस में, हेडर के अंदर प्रोफाइल पिक्चर आ रही हो, बीच में सर्च का बॉक्स आ रहा हो, इस तरफ फेसबुक लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है, तो जितना करीब करीब बना सको बना लो, पोर्टफोलियो ही बनेगा ना, तुम्हारा ही पोर्टफोलियो बनेगा, जो भी बनाओगे वो तुम्हारे गिटहब में सेव रहेगा, खुश रहेगा। कल को कहीं जाओगे इंटरव्यू देने, वो कहेगा रिएक्ट में कोई अच्छी UI बनाई है तो दिखाओ, आप एक पूछेगा आप चार बताओगे कि यार पहले मैंने ये बनाई थी, फिर बाद में मैंने इसको ऐसा कर दिया, फिर बाद में इसी में ये चीज़ ऐड कर दी, ऐसे आप उसको दिखाओगे, सही है। तो मतलब इस तरह करके आपने ये बनाना है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।